आज की इस वीडियो की हम शुरुआत जो है थोड़ा सा अलग अंदाज से कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं, जैसा कि परसों के दिन मैंने अपने जो डेली हमारा एनालिसिस है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो की जो वीडियो हमारी आती है, उसके अंदर हमने एक चर्चा की थी स्पेशली। और मैंने आपको कहा था कि भाई हमें स्पेशली पेपर शेयर्स काफ़ी सस्ते लग रहे हैं। और यहाँ पर सस्ते तो देखिए वो पहले भी थे, लेकिन एक प्राइस एक्शन हमारे को काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। अगर बाजार में सब कुछ चल रहा है और पेपर शेयर्स नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी एक डिफरेंट तरीके का व्यू जो है हमने बनाया था। और ये व्यू हमने आपके साथ परसों शेयर किया था, लेकिन हमने अपनी अल्फा मेंबरशिप पे इसके लिए एक वीडियो शेयर की थी जो अभी हमने मेन फोरम पे डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं, जहाँ पर कि वो 19 जुलाई की वीडियो है, 19 जुलाई की जो वीडियो है 2023 की, यानी कि तकरीबन आज से 1.5 महीने पहले। और जब इस रैली की, जो पेपर स्टॉक्स में रैली हुई है, इसकी बस शुरुआत ही मतलब होने वाली थी, यानी कि हमने शेयर्स लिए हैं और उसके 3 या 4 दिन बाद शुरुआत हो गई। तो वहाँ पर हमने एक एजुकेशन देने की कोशिश की थी कि भाई हमें क्यों लग रहा है कि पेपर शेयर चल सकते हैं। तो मार्केट के अंदर मैं जैसे रोज आपके साथ चर्चा कर रहा था कि भाई जो शेयर्स हैं, जिस तरीके की रैली हो रही है, मैं यही बोलता हूँ रोज कि भाई 90% से ज़्यादा शेयर्स ओवर वैल्यूड है। तो आप ऐसे में जो शेयर्स आपके अंडर वैल्यूड है, उनमें एक रैली आनी बनती है। तो वो चर्चा हमने उन वीडियो के अंदर की है। आगे भी देखिएगा, हम ये इस तरीके की जो चर्चा है वो जारी रखेंगे। और पर्सनली मैं पहले सबको जो है थैंक्स करूंगा कि भाई सबने एक अच्छे तरीके से शेयर्स को होल्ड किया और अच्छे खासे प्रॉफिट पर अभी भी बने हुए हैं। और क्या इसके बारे में आउटलुक है, तो इस वीडियो के बाद जो है हम उसकी भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की वीडियो दो पार्ट में हम रखेंगे। तो पहले पार्ट में हम पेपर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा स्टॉक फॉर द मंथ था वो था वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड। उसका रीजन हमने बताया, तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा क्यों हमें रैशनलिटी लग रही थी कि भाई ये पेपर शेयर चलेगा। तो ये शेयर्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, 43.24% की रिटर्न्स दिए हैं। और हमारे पास ये तकरीबन 1.5 महीने से है, तो तकरीबन वहाँ से एक बहुत अच्छी रिटर्न्स, जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, अगर उन्होंने उस एजुकेशन को समझा होगा और अगर लिया होगा, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। अब ये प्रॉफिट है 43.24%, और ये इसने आउट परफॉर्म किया सारे पेपर शेयर्स को। और हम केवल 4 पेपर शेयर्स पर ही बुलिश थे, ओनली 4, और उसमें सबसे पहली चॉइस हमारी थी वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड। और अगर हम इसकी चर्चा करें आगे, तो आज की जो इसकी जो रिटर्न्स हैं, अगर हम आज भी इसको देखने की कोशिश करें, तो आज भी ये शेयर 696 पर बंद हुआ है 40 रुपये की तेजी के बाद, और 709 रुपये का इसने आज हाई लगाया है। तो इस शेयर ने आज भी 6% की रिटर्न दी है। उसके बाद अगला शेयर देखिएगा, 1 महीने के अंदर जो रिटर्न्स है, जो दूसरा शेयर था हमारा पेपर का फेवरेट, मैं आपको 2 दिन पहले जो 4 तारीख की जो एनालिसिस वीडियो उसमें मैं बोल रहा था कि हमें पेपर शेयर्स में भी लगता है कि काफ़ी स्कोप है, तो ये शेयर आज 16% जो है पूरी 1 महीने में चला है। और आज ये शेयर तकरीबन 4.5% के आसपास की तेजी इसमें रही है। अब अगर हम बात करें आंध्रा पेपर्स लिमिटेड की, तो ये शेयर चला है 27% पास्ट 1 मंथ में, और आज आज में ये शेयर 10% से ज़्यादा की तेजी के साथ काम कर रहा था। 50 रुपये से ज़्यादा की तेजी आज इसके शेयर्स में देखने के लिए मिली। और इसके बाद जो दूसरा शेयर है, जो 1 महीने के अंदर जिसने 36% की रिटर्न जनरेट की, वो था शेषाशायी पेपर। और इन सब के बारे में देखिएगा, जो वीडियोस हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और इस शेयर्स की 1 महीने की रिटर्न है 36%, और आज आज की रिटर्न है इसकी 13.18%। इन शेयर्स में अभी मुझे पर्सनली क्या लगता है, वो आपके साथ दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बट मुझे ये सारा आइडिया आया कहाँ से, तो ये देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जब हम प्राइस एक्शन देखते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर्स या शेयर्स होते हैं, और उस बाजार के अंदर फिर हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ पर अभी पिकअप कर सकता है बाजार। तो वहाँ पर जो है इस सेक्टर ने पिकअप किया। अभी भी हमारे इसके बारे में क्या नज़रिया है, तो जो आपके साथ जो है दूसरी वीडियोस जब हम शेयर करेंगे, तो उसके साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे। बट मेरा एक जनरल व्यू है कि ये शेयर्स अंडर वैल्यूड थे, और पूरा बाजार जो है ये मान के चल रहा था कि भाई ये सेक्टर की जो साइकिल है वो डाउन ट्रेंड में जाएगी। और जब हमने इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे, तो हमारे को एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। और तभी से हमने अपना पहला रुख बनाया कि रिजल्ट
जहां पर खराब है वो शेयर 70-70, 80-80 के पी पर चल रहे हैं, और जो शेयर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं अगर वो शेयर ये 4 या 5 के पी पर चल रहे हैं, और जहां पर हमने कैश फ्लो का एनालिसिस किया, बाकी रेशियो एनालिसिस किए, मैनेजमेंट के बारे में देखा और किस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से बैलेंस शीट में चेंज आए, किस तरीके से कैश फ्लोज में चेंज आए, और उसके बाद शेयर प्राइस में उसकी कोरिलेशन बैठाने की कोशिश की, और उसके बाद हमें ये सेक्टर जो है काफ़ी पसंद था और उस सेक्टर के हमने ये 4 शेयर्स सिलेक्ट किए थे। हालांकि इसके अलावा भी देखिए और कुछ पेपर शेयर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे शेयर्स थोड़ी ना हम नहीं खरीदने हैं। तो अगर एक सेक्टर के अंदर 4 शेयर्स हमने रखे थे और बाय गॉड ग्रेस जो है चारों शेयर्स जो है अच्छा करते हुए नजर आए, और उसमें से भी सबसे अच्छा उसी ने किया है जो हमारा स्टॉक फॉर द मंथ रहा है। तो ये तो थी चर्चा आज पेपर स्टॉक्स के बारे में। और इसके बाद अगर आज हम बात करें भाई निफ्टी में किस तरीके का रुख रहा, तो आज जो निफ्टी में जो रुख रहा वो 19611 पे बंद हुआ और बाजार ने बहुत बड़ी आंख मिचोली खेली और 2:30 बजे की एक जो है तेजी आई। और जो मैं चर्चा कर रहा था कि भाई देखिएगा बाजार हालांकि फ्लैट ही बंद हुआ है, फ्लैट से थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव, लेकिन मैंने आपको यही कहा था कि भाई नीचे जाए बाजार को खरीद लो, ऊपर जाए बेच लो। अब भी बाजार रेंज में चल रहा है, जब तक कि मेजर लेवल्स ना तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं नहीं टूटते, बाजार इसी तरीके से हिचकोले लेता रहेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने कहा था 19630 के बाद अगर क्लोज आता है बाजार, तो फिर देखिएगा एक अलग ऑर्बिट में बाजार चला जाएगा। तो लेकिन बाजार ने वहां पर जो है एक रेजिस्टेंस लिया और बाजार ने कोशिश भी नहीं की 19630 तोड़ने की। मैं आपको सीधी बात बोलूं, 19636 तक गया क्षण भर के लिए, वो तो देखिएगा वो दिखता भी नहीं है वो प्राइस कब आया, लेकिन 19625 के आसपास जैसे ही बाजार जा रहा था तो बाजार ने बोल दिया था कि भाई ठीक है आज का काम हो गया। तो बाजार का आज का काम हो गया, बाजार ने 19611 पे क्लोज दिया और अभी हमारा जो आउटलुक है वो इसी तरीके का है। लेकिन अब बाजार ऊपर की वाली रेंज में आ गया, तो अब ऊपर वाली रेंज में आ गए तो हम फिर वही सेल ऑन राइज। अब क्योंकि बाय ऑन डिप्स हम बोल रहे थे कि भाई बाय ऑन डिप्स अगर नीचे जाए ऊपर जाए सेल करिए, यही नज़रिया अभी बाजार में रहने वाला है। और बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं अभी मुझे लगता है कि 11-12 तारीख तक जो है बाजार को पानी पिलाते रहेंगे और बाजार में देखिएगा बुल्स की ताकत देखना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो देखिएगा जो मेन फोरम है, यानी कि जो मेन शेयर्स हैं जो निफ्टी के या बैंक निफ्टी के या निफ्टी नेक्स्ट 50 के, उन शेयर से थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक अलग तरीके का गेम चल रहा है और जो ब्रॉडर मार्केट में और जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा अलग तरीके से प्ले कर रहा है। और मैंने भी आपके साथ यही चर्चा की थी क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर इंडेक्स में तो आप हमेशा मंदी बोलते हैं, लेकिन देखिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई शेयर्स में तेजी कर लो, अगर इंडेक्स में मंदी भी कर लेते हैं तो क्या दिक्कत, हमारा तो एक नेचुरल हेज बन जाता है। अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी में आज किस तरीके की कैंडल बनी, तो देखिए कई उठाव तो आया है लेकिन वही रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस पर बाजार बंद हुआ है, जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं काटेगा बाजार ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो आज अपने रेजिस्टेंस पर चला गया, इस बॉक्स के अंदर बाजार काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि इस बॉक्स के निचले हिस्से में बाजार आएगा। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर ऊपर की तरफ के रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन अभी जो फंडामेंटल रीजंस हमें नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड के भाव $90 पर पहुंच गए हैं, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, यहाँ पर जो फॉरेन फंड्स हैं उनका आउटफ्लो जिस तरीके से बन रहा है, तो इन सभी सर्कमस्टांसिस को अगर हम कोरिलेट करें तो अभी हमें नहीं लगता कि ऊपर की साइड पर रास्ता बने। तो हो सकता है कि बाजार एक बार नीचे आके कंसोलिडेट करे इस बॉक्स के बॉटम के अंदर, जो हमें लगता है कि 19230 के आसपास के जो लो लगे थे वहीं तक ये झूलता रहना चाहिए अभी, और यही हमारा भी आउटलुक है। जब तक इस दायरे में कोई हमारा कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है, हमें ये लगता है कि भाई जो मूव्स हैं वो दोनों साइड के रहने वाले हैं इंडेक्स के लेवल पर। आज देखिएगा कमान संभाली HDFC बैंक ने, और HDFC बैंक ओवरसोल्ड था तो HDFC बैंक का ही सहारा बाजार ले सकता था तो वही लिया। उसके बाद ITC, टाइटन, टाटा कंज्यूमर और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स तेज थे, और मैंने कल भी कहा था कि अगर बैंक साथ नहीं देंगे ना भाई बाजार नहीं चल सकता। तो आज बैंक नहीं, HDFC बैंक का ही हैवी वेट था, उसी का जो निफ्टी की टोटल तेजी में से अगर आप 22 पॉइंट निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी की बाकी तेजी कितनी है। तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ने साथ दिया नहीं, टाटा स्टील, हिंडालको और मारुति सुजुकी कमजोर थे। तो मैं इस वीडियो के अंदर निफ्टी की बात कर चुका हूँ, बाकी जो ब्रोडर मार्केट की बात जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।